My name is Punit and welcome to our YouTube channel Commerce Classes by Anup Sir. So previous lecture में हमने trading account को किया था. Trading account में हम gross profit और gross loss को find out करते हैं and trading account में हम gross profit और gross loss को show करते हैं and now we will discuss about the format of profit and loss account. So, अब हम बात कर रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है, क्या क्या आइटम हम इसके अंदर शो करते हैं, कौन कौन से एक्सपेंस हम लिखते हैं और कौन कौन सी इनकम लिखते हैं. जैसे कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट में बताया, ट्रेडिंग अकाउंट में हम डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम लिखते हैं एंड पीएनएल अकाउंट में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं. सो वन बाय वन हम डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या हम जो एक्सपेंसेस है उसको इंक्लूड करते हैं. सो फर्स्टली आइटम आता है टू ग्रोस लॉस ब्रॉड डाउन. जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में हमारा क्या आता है, टू बाय ग्रोस लॉस. तो उसी ग्रोस लॉस को हम कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं. नेक्स्ट आइटम आता है हमारा टू ऑफिस एक्सपेंसेस. टू ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको हम पीएनएल की डेबिट साइड में इंक्लूड करते हैं. तो अभी हम पता करते हैं कि वो हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं. सबसे पहले यहाँ पे होता है कि टू सैलरी एंड वेजेस. जो भी जो हमारे वर्कर्स होते हैं, इम्प्लॉय होते हैं, उनको सैलरी जो प्रोवाइड की जाती है वो किसमें आ जाता है, ऑफिस एक्सपेंसेस में आ जाता है. नेक्स्ट हमारा होता है टू रेंट टैक्स एंड रेट. जो भी रेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, टैक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, किस रेट से कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है, उसको भी हम ऑफिस एक्सपेंसेस में इंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को चार्जेस. टू लीगल चार्जेस में अगर कोर्ट में कोई फॉर्मेलिटी करवानी है हमें, कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, उसके लिए जो एक्सपेंस लगता है वो भी हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस में इंक्लूड होता है. नेक्स्ट है टू ऑडिट फीस. ऑडिट फीस, जब एक ऑडिटर हमारे अकाउंट्स की ऑडिटिंग करता है, देन ऑडिटर कुछ फीस चार्ज करता है, उस फीस को भी हम इंक्लूड करते हैं एज अ एक्सपेंस इन आ ऑफिस एक्सपेंसेस. नेक्स्ट हम बात करते हैं टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में क्या क्या आइटम इंक्लूड करते हैं, फर्स्टली टू कैरेज आउटवर्ड. टू कैरेज आउटवर्ड को हम इंक्लूड करते हैं, ये एट द टाइम ऑफ सेल होते हैं. जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो उस टाइम जो हमारा कैरेज लगता है उसको बोलते हैं टू कैरेज आउटवर्ड. नेक्स्ट टू एडवर्टाइजमेंट. अगर हम कोई भी गुड्स बना रहे हैं तो उस टाइम में जो हम एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं उस पर जो हमारा एक्सपेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस. नेक्स्ट हमारा आता है टू कमीशन. सेल को ग्रोथ करने के लिए हम इम्प्लॉयज को कमीशन प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कमीशन. दैट कमीशन इज इंक्लूड इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी. जब हम कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं देन दैट टाइम पे द पेमेंट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ड्यूटी. टू पैकेजिंग चार्जेस. जब गुड्स को पैकेजिंग की जाती है उस टाइम जो हमारे चार्जेस लगते हैं दैट इज कॉल्ड पैकेजिंग चार्जेस. एंड नेक्स्ट इज टू बैड डेट्स. बैड डेट्स क्या होता है, एक्चुअली बैड डेट्स होता है जब हम क्रेडिट सेल कर देते हैं एंड जो डेटर्स हमें पेमेंट नहीं करते इन फ्यूचर और आने के कोई चांसेस भी नहीं होते पेमेंट के, सो इट इज कॉल्ड बैड डेट्स. तो ये हमारे लिए एक एक्सपेंस की तरह होते हैं और इसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं. नेक्स्ट इज टू मिसलिनियस एक्सपेंसेस. अब इनके अलावा जो भी एक्सपेंसेस हमारे रिमेनिंग रह जाते हैं उनको हम कहां पे लिखते हैं, मिसलिनियस एक्सपेंसेस में लिखते हैं. तो फर्स्टली हम बात करें तो टू डिस्काउंट. यहाँ पे जो डिस्काउंट होता है वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है. अगर आपको ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट डेबिट दिया गया है तो भी आप एज अ एक्सपेंस ट्रीट करते हो, ये डिस्काउंट अलो होता है. डिस्काउंट अलो हमारे लिए एक्सपेंस होता है एंड डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम होती है. नेक्स्ट टू रिपेयर. अगर हमारी मशीनरी खराब हो जाती है तो उसको रिपेयर करवाने के लिए जो कॉस्ट लगती है वो भी हमारे लिए एज अ एक्सपेंस होती है. नेक्स्ट इज टू डेप्रिशिएशन. कोई भी मशीनरी है उसके ऊपर जो डेप्रिशिएशन वैल्यू लग रही है वो भी एज अ एक्सपेंस है और उसको हम इंक्लूड करते हैं मिसलिनियस एक्सपेंसेस में. नेक्स्ट इज टू इंटरेस्ट. अगर कंपनी ने लोन ले रखा है और उसका हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं दैट इज इंटरेस्ट. अगर आपको ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट डेबिट दिया गया है तो इट मीन्स
आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो। नेक्स्ट इज टू बैंक चार्जेस। आप समझते हैं कि बैंक चार्जेस क्या होता है। बैंक चार्जेस अगर हमारे पास कोई बिल है और उसको हम डिस्काउंटिंग करवा लेते हैं बैंक से, तो उस टाइम बैंक जो कुछ चार्जेस कट करते हैं दैट इज बैंक चार्जेस। टू इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, टू डोनेशन एंड चैरिटी। सोशल वेलफेयर के लिए हम कोई भी एक्सपेंस करते हैं सो इट इज कॉल्ड डोनेशन एंड चैरिटी। नेक्स्ट इज टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। एट अ टाइम ऑफ सेल ऑफ एसेट्स जब समय लॉस हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, लॉस ऑफ सेल ऑफ एसेट्स को ही एज अ एक्सपेंस हम ट्रीट करते हैं एंड पुट इन अ पी एंड एल डेबिट साइड। नेक्स्ट आता है हमारे पास टू नेट प्रॉफिट, ये हम फर्दर करेंगे। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं कि क्रेडिट साइड, डेबिट साइड होती है एंड क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड में हम इनकम को इंक्लूड करते हैं। फर्स्टली यहाँ पे इंक्लूड करते हैं बाय ग्रोस प्रॉफिट। जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखते हैं ग्रोस प्रॉफिट को, उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, पी एंड एल की क्रेडिट साइड। टू नेक्स्ट आइटम आता है टू बाय रेंट फ्रॉम टेनेंट। अगर हमें किसी टेनेंट से रेंट रिसीव हो रहा है तो वो हमारे लिए इनकम है, उसको हम पी एंड एल की क्रेडिट साइड में राइट करते हैं। नेक्स्ट इज बाय डिस्काउंट रिसीव। अगर कोई भी डिस्काउंट हमें रिसीव होता है दैट इज इनकम फॉर अस एंड डिस्काउंट क्रेडिट। मैंने आपको बताया कि जो डिस्काउंट डेबिट होता है वो डिस्काउंट अलो होता है, दैट इज एक्सपेंस, एंड डिस्काउंट क्रेडिट इट इज अ इनकम एंड पुट इन पी एंड एल क्रेडिट साइड। नेक्स्ट इज बाय कमीशन रिसीव। एट द टाइम ऑफ द सेल ऑफ द गुड्स जब कमीशन रिसीव किया जाता है, जब हमें कोई कमीशन रिसीव होता है, हम हाई सेल करते हैं उस टाइम हमें जो कमीशन रिसीव होता है दैट इज इनकम फॉर अस एंड पुट इन प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। नेक्स्ट इज बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है एंड उस इन्वेस्टमेंट से जो हमें इंटरेस्ट आ रहा है दैट इज इनकम एंड पुट इन पी एंड एल क्रेडिट साइड। बाय डिविडेंड ऑन शेयर। बाय डिविडेंड और शेयर क्या होता है कि जब हमारी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करती है एंड वहां से जो हमें डिविडेंड रिसीव होता है दैट इज कॉल्ड, दैट इज इनकम फॉर अवर बिजनेस। सो इट इज इंक्लूड इन क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट। नेक्स्ट इज बाय बैड डेट्स रिकवर। बाय बैड डेट्स रिकवर में क्या आएगा, जो डेटर्स हमारे बैड डेट्स हो चुके थे और उनसे अगर हमें पैसा रिसीव हो जाता है तो दैट इज बाय बैड डेट्स रिकवर एंड पुट इन क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट बिकॉज इट इज इनकम फॉर अस। नेक्स्ट बाय प्रॉफिट सेल ऑन एसेट्स। अगर हम कोई भी फिक्स एसेट्स को सेल करते हैं ऑन द प्रॉफिट दैट इज इंक्लूड इन प्रॉफिट सेल ऑन एसेट्स, तो वो हमारे लिए एक इनकम की तरह है और हम उसको पी एंड एल अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करते हैं। नेक्स्ट इज बाय इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर हमने कहीं पे अदर सोर्सेज में पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है या और कहीं से हमारे पास जो इनकम आ रही है उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, अदर सोर्सेज में लिखते हैं। सो ये सारी आइटम्स थी आपकी क्रेडिट साइड की एंड डेबिट साइड की। अब हम बात करते हैं बाय नेट लॉस एंड टू नेट प्रॉफिट। इफ डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड देन रिमेनिंग फिगर इज बाय नेट लॉस। जो ये बाय नेट लॉस है ये हमारा क्या बच जाता है, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे रिमेनिंग रह जाता है। एंड इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड दैट इज बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट। उस टाइम पे हमारा जो बैलेंसिंग फिगर है वो नेट प्रॉफिट आ जाता है। सो इट इज ऑल अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रेडिंग अकाउंट कर लिया, अगर आपने नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। एंड इस वीडियो लेक्चर में हमने किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या क्या आइटम्स हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, जो ये आइटम होते हैं उनका एक्सप्लेनेशन, तो सारा आपको इसके अंदर बताया गया है। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू एवरीवन।